दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। पावर सेक्टर का स्टॉक है ये। पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूंगा मैं तो आपको 2% के आसपास का उछाल देखने को मिल चुका है। मतलब पूरे दिन की बात करूंगा मैं तो दोस्तों माइनस मतलब ठीक ठाक रिटर्न दिया, प्लस ना माइनस तो सेम 10 पैसे के आसपास का आपको उछाल देखने को मिला है। अब दोस्तों एक 15 रुपये 16 रुपये का स्टॉक ऊपर दो 10 रुपये के 10% 0.10 पैसे मानते हैं तो दोस्तों ना के बराबर मान सकते हैं स्टॉक, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में अगर 1 रुपये के आसपास उछाल लेकर मिलता है आपको तो काफ़ी शानदार अच्छी बात थी आपके लिए और गुड न्यूज़ भी आपके लिए थी यहाँ पर। अब दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार ये स्टॉक ASM लिस्ट में क्या करना चाहिए, ASM लिस्ट में अभी एड है या नहीं है। देखो मैं कहूँगा आपको, अभी फिलहाल ASM लिस्ट में कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि एड है ये, और हो सकता है कि मंडे तक कोई बड़ी न्यूज़ भी आ सकती है, बोर्ड मीटिंग भी होने वाली बहुत जल्दी। इसकी बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला आता है कल दोस्तों, हो सकता है कि कल टारगेट क्या दिखते, टारगेट की बात करूँ कल देखो दोस्तों, कल उम्मीद है कि मार्केट गैप डाउन से ओपन होगा, तो अगर दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है तो 2-3% के आसपास की स्टॉक में गिरावट हो सकती है यहाँ पे। मैं दोस्तों बात करूँ फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है इसका, तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि स्टॉक काफ़ी शानदार है, कंपनी काफ़ी बढ़िया, और नए मंथ में नए टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद दोस्तों उम्मीद है मुझे 18 रुपये के आसपास का आपको नेक्स्ट मंथ में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के पर्पज़ के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है यहाँ पे। धन्यवाद।